झारखंड की बेटियां अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कर रही है। दो ऐसे क्षेत्र से हमारे साथ झारखंड की बेटियां मौजूद हैं जो 26 को इस महीने के 26 तारीख दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। एक है नेहा शिल्पी तिर्की जो राजनीति के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमा रहे थी, उनका भी परिणाम 26 को आया। वहीं तीन बेटियाँ हैं हॉकी के क्षेत्र से झारखंड की जो विदेश में यानी कि आयरलैंड में खेल रही थी और उनके भी परीक्षा का परिणाम कहें कि 26 को ही आया। हालांकि थोड़ी निराशा थी कि जो उम्मीद थी वो नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये रनर अप रही और अपने क्षेत्र का अपने झारखंड का नाम रोशन करके लौटी हैं। तमाम जो झारखंड की बेटियां हैं, देखिए कितनी अच्छी तस्वीर है ये, राजनीति और खेल दोनों साथ है। दोनों महिला सशक्तिकरण को एक उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं। हिम्मत और हौसला बढ़ाने नेहा तिर्की यहाँ पहुंची है। सबसे पहले इनसे ही जानते हैं कितनी खुशी मिल रही है आप इन लड़कियों के बीच हैं। बहुत खुशी मिल रही है, मैं तो इनको देख के आंसू भर गया था क्योंकि मुझे पता है स्पोर्ट्स में कितना मेहनत लगता है। मैंने इनका न्यूज देखा, आप लोग नहीं कवर किया था कि इन्होंने 8 घंटा का इनका ट्रिप था, वापस आई हैं। हमारी वाइस कैप्टन ने बताया कि एक गोल लास्ट उन्होंने किया, मगर तभी नर्वस थे और जो अचीवमेंट का सपना देख के गए थे वो पूरा नहीं हो पाया। इस चीज़ को मैं कनेक्ट कर पाई, इसलिए मैं सोची इनसे तुरंत आके मिलूं, इनका जो हौसला है उसको और बढ़ाऊं, इनको कहूं कि अभी बहुत कम उम्र है, तुम लोग को बहुत आगे जाना है एंड ये लोग ओलंपिक्स भी खेलना चाहते हैं, तो इसकी बहुत खुशी है। इनको मोटिवेट करने के लिए, इनका मैं हौसला बुलंद करने के लिए इनके बीच में आई। कैसा महसूस हो रहा है जब शिल्पी जी आप लोगों के बीच आई, आप भी खेल कर बाहर से नाम रोशन करके लौटी है, कैसा महसूस? बहुत ही खुशी हो रही है, मैं तो पहली बार मिली हूँ आपसे, तो बहुत ही खुशी हो रही है कि हाँ कोई मिलने चाहते हैं। तो हम तीनों बहुत ही खुश है, हमें मोटिवेट करने के लिए आए, हम रनर अप आए फिर भी हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि हम आगे जीत के आएंगे, तो इसके लिए थैंक यू सो मच मैम। आगे क्या करना है, गोल क्या है, एम क्या है? ये तो एक शुरुआत है, झारखंड के एक पिछड़े जिले सिमडेगा से आपने आयरलैंड तक का सफर तय किया है, आगे क्या करना है? आगे हम लोग बहुत मेहनत करना है कि हमें अगला टूर हमें खुद जा सके, टीम में भी आ सके। आपके मन में क्या है, क्या तमन्ना है, कौन सा सपना है जिसे पूरा करना? सर सबसे पहले तो मैम शिल्पी मैम से मैं थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि हमारे साथ मिलने के लिए यहाँ आए और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम हम इनसे मिल रहे हैं। और सपना यही है कि अभी हमने स्टार्ट किया है और आगे जाके बहुत अच्छा करेंगे और ओलंपिक तक पहुंचेंगे और सीनियर टीम में भी आएंगे और हमेशा बने रहेंगे। तो आपने इन सबों के बातों को सुना, सबसे महत्वपूर्ण था कि 26 को ही दोनों क्षेत्रों का जो परिणाम था यानी कि राजनीति और खेल दोनों का परिणाम जो है झारखंड के लिए बेहद ही खास रहा और ये तस्वीर महिला सशक्तिकरण के लिए खास है। भोला जी कितना खुशी मिलता है जब आपके बच्चे देश में दुनिया में नाम रोशन करके अपने घर लौटे? देखिए झारखंड के लिए अभी बहुत गर्व की बात है कि हमारे तीन बेटी अभी वर्ल्ड कप खेल रही है सीनियर में, उसके बाद तीन बेटियों का अवसर का चयन हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, उसके बाद हमारे तीन बेटी अभी जूनियर में आपको सेकेंड प्लेस लेकर लौटी है। तो ये हम लोग के लिए, हॉकी झारखंड के लिए नहीं पूरे झारखंड वासियों के लिए बहुत गर्व का पल होता है और बहुत खुशी होता है। और अभी बहुत काम करना बाकी है, जिस तरह से लड़कियां हमारे बेटी झारखंड के भारत में की टीम में और भारत का नाम रोशन कर रही है, झारखंड का नाम बढ़ा रही है, उसी तरह से जिस दिन मेरे लड़कों भी इसी तरह से झारखंड का नाम और भारत का नाम देश में रोशन करने लगे, उस दिन वही सपना अभी है और उसी में हम लोग लगे हुए हैं और ऊपर वाला चाह तो बहुत जल्द पूरा होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि नेहा शिल्पी तिर्की जो है ये इन खिलाड़ियों के तो मनोबल बढ़ाई ही है और इन खिलाड़ियों के भी बातों को हमने जाना कि ओलंपिक से कम इन्हें मंजूर नहीं है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को, रांची।